अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एन के पी डी। आज का हमारा टॉपिक है मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा काफ़ी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई साइंटिस्ट किसी फील्ड में अपनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको एक प्राइज़ से नवाजा जाता है। ये उनका एक जो होता है एजाज़ होता है और एक रिकग्निशन उनको मिलती है ऑन द वर्ल्ड लेवल। सो ये उनकी मेहनत की कमाई होती है, उनको एक अप्रिसिएशन दी जाती है एक प्राइज़ के जरिए, अवार्ड के जरिए। कई सारे अवार्ड्स होते हैं लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कभी भी हमारी जॉब के एग्जामिनेशन में या फिर हमारी किसी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या तो एज अ जनरल नॉलेज हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले है द नोबेल प्राइज़। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अप्रिसिएशन अवार्ड है जो कि काफ़ी फेमस है, इसके बारे में तकरीबन सब ने पढ़ रखा है। इसको जो देता है ये नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट है जिसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये स्टार्ट हुआ था। एक गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल होता है और एक डिप्लोमा होती है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना उनकी करेंसी है। ये प्राइज़ 5 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है। देर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज जिन कैटेगरीज में प्राइज़ दिया जाता है। सो नेक्स्ट है, अच्छा, नोबेल प्राइज़ के बारे में मैं आगे डिटेल्स में वीडियोज़ डालूँगी कि नोबेल प्राइज़ है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, एंड जस्ट एवरीथिंग अबाउट नोबेल प्राइज़, किस किस को मिल चुका है एंड एवरीथिंग। तो कम टू द नेक्स्ट, द एकेडमी अवार्ड। ओस्कर अवार्ड्स तो आप सबने सुन रखा होगा। बेसिकली ओस्कर अवार्ड्स को ही द एकेडमी अवार्ड्स बोला जाता है। ये अवार्ड जो दिया जाता है वो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है जिनकी आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ज़्यादा होती हैं और एक आउटस्टैंडिंग जिनका काम होता है फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ऑस्कर्स बहुत फेमस है, आप सबने सुन रखा होगा, लेकिन इसका दूसरा नाम है द एकेडमी अवार्ड्स। ये दिया जाता है बाय ग्लेन वीस से। उसके बाद आ जाता है थर्ड पे प्यूलिट्जर प्राइज। प्यूलिट्जर प्राइज जो है वो बेसिकली जोसेफ प्यूलिट्जर के नाम से स्टार्ट हुआ था क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर पब्लिशर था खुद, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है अभी इसको देती है। और ये अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिटरेचर, जर्नलिज्म, तो इन सब में जिसका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होती हैं या जिनका आउटस्टैंडिंग काम होता है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फील्ड मेडल। जो फील्ड मेडल होता है वो दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैथमेटिक्स, जिनकी मैथमेटिक्स में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होती है वो उनको दिया जाता है। और ये दिया किस की तरफ से जाता है, वो है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ये वो अवार्ड देती है। उसके बाद आ जाता है ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स आर फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन म्यूजिक इंडस्ट्री और ये दिया जाता है बाय रिकॉर्डिंग एकेडमी। उसके बाद सिक्स्थ पे आ जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये दिया जाता है एक फाउंडेशन की तरफ से जो कि इस नाम से ही है फाउंडेशन, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। और ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, पब्लिक सर्विसेज में, लेकिन एशिया की हद तक, एशिया के एरिया में, एशिया के लोगों के लिए अगर किसी की ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से, पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट सर्विसेज के हिसाब से जिनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होती है उनको दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है बुकर प्राइज। ये यूके की तरफ से होता है, यूके कंट्री इसको देती है। इट इज़ गिवन फॉर द बेस्ट बुक इन इंग्लिश और इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके बाद आ जाता है एट पे मिचेलिन स्टार। मिचेलिन स्टार्स जो होता है वो अवार्ड होता है शेफ्स के लिए, दोज पीपल हु आर द बेस्ट शेफ वो। और ये शेफ़ को पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट को दिया जाता है, उन रेस्टोरेंट को दिया जाता है जिन रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग खाना फूड बनता है और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के साथ। नाइन्थ पे आ जाता है द मर्लिन अवार्ड। मर्लिन अवार्ड मैजिशियंस को दिया जाता है जो मैजिक करते हैं। सर्कस में तो आपने सारे देखे होंगे मैजिशियन, तो मैजिशियन जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन रही होती है, अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं, मर्लिन अवार्ड उनको दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद है ट्यूरिंग अवार्ड। ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो दिया जाता है ACM की तरफ से। ACM है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन। तो ACM की तरफ से ये जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है उन लोगों को जिनकी लास्टिंग एंड मेजर टेक्निकल इम्पोर्टेंस हो कंप्यूटर साइंस में, उन चीज़ों को
उन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को या उन चीज़ों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो कंप्यूटर साइंस में, लेकिन लास्टिंग एंड मेजर टेक्निकल इम्पोर्टेंस हो उनकी। उसके बाद आ जाता है 11th पे एबल प्राइज। एबल प्राइज जो है वो दिया जाता है नॉर्वे के किंग की तरफ से, नॉर्वे का किंग एबल प्राइज देता है, और ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग वर्क इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये वीडियो ओवरव्यू के लिए बनाई गई थी कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड इन विच फील्ड दे आर गिवन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके आगे हम ज़रूर पढ़ेंगे द नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस बहुत डिटेल्स में बताऊंगी मैं आपको, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, और बाकी भी सारी बनाऊंगी ग्रेजुअली वंस वी आर डन विद द नोबेल प्राइजेस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड share my video and please do support me and also write below comments and you can also write me suggestions and whatever you would like me to teach you. Thank you so much.